कि सुर संग्रह में मैंने ये गाना गाया था, तबे मुंह से हमरा निकल गया। कैसे कि हम अपना आवाज में करा के गाएंगे, बहुत अच्छा, चाहे केहू गईले हो। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। सुनिए, आलोक कुमार जी का बहुत ही प्यारा ये गाना। किसी का भी नो खरीदा हुआ नहीं होता है, कोई भी गाने के लिए स्वतंत्र होता है। बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग गाना। मुझे गाने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लोग अपने आप ही न्यूज बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गा सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। अपना मन के नगरिया में दिल के दुनिया लुटा दे बने। क्या बात है, क्या बात है। कि तू माना न माना ये रानी, कि तोहके आपन बना लिखल बाने। भाई जब न्यूज पर जो देखिए, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाते हैं लोग और मंच पे गाने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप लगातार इस गाने को गा रहे हैं, वो बहुत ही अमेजिंग, वो ओरिजिनल नहीं गा पाएंगे लोग, समझे। बहुत मजा आ रहा है, आप बिल्कुल गाइए। चलिए एक बार अंकित जी के लिए जोरदार तालियां सर। और अंकित, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए प्लीज। विष्णु प्लीज प्लीज, कि तुम्हें क्या बता, कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी आसरा हो। कुछ भी गाए, आसा की नरिया न रहे रहे पिरोती। क्या बात, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, तुम्हें क्या पता कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी आसरा हो। आजा भैया। ये आशा की लड़ियां न रहे रहे पिरोती, ये आशा की लड़ियां न रहे रहे पिरोती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, लेकिन भाई एक बात कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। मिलने के लिए ना खो,
कहे पियावा से नीक बात कियावा हो, पियावा से नीक बात कियावा को बहु बेमार ना होना, पियावा से नीक बात कियावा को बहु बेमार ना होना। एक मुलाकात 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 छुड़े दिल पर तू जो एक बार मिले चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार, तू जो एक बार बहुत अच्छी बात है कि अपने लिए गा रहे हो, चाहे किसी के लिए भी गा रहे हो, गा रहे हो ये अच्छी बात है। और मैं इसलिए भी मंचों पे मौका मैं चुप हो जाती हूँ, इसलिए चुप होती हूँ क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि आप जैसे यंगस्टर्स ना, अब नए दौर के जितने मेहनती लोग हैं वो सब आए, इस वजह से मैं शांत हो जाना प्रेफर करती हूँ कि मैं सच में चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि जितने यंगस्टर्स हैं, जितने गांव कस्बे के लोग हैं जो मेहनती हैं, जो सक्षम हैं इस फील्ड में आने के लिए, जो भी लोग आते हैं उनका हाथ पकड़ के मैं खड़ी रहूंगी हमेशा। और इस बात के लिए थोड़ा जोरदार ताली बजाइएगा दीदी के लिए, जय हो। तो इस चीज को मैं कहीं ईगो में और इन सब चीजों में नहीं लेती, लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ मंच पे जब तक ये नहीं बोलेंगी कि मैं हवा हूँ। मैं ना, मैं तो हवा हूँ ही, कि मैं, हेलो, हाँ पहले इनकी बात हुई।